अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। बंदरों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के ब्लड सैंपल नष्ट करने की जो बात लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज दो दिन तक छिपाया था, वह फर्स्ट बाइट ने उजागर कर दी तो जैसे हड़कंप मच गया। फर्स्ट बाइट के सनसनीखेज खुलासे को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संज्ञान में लेते हुए सवाल खड़े किए कि अब यूपी सरकार सैंपल तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है। प्रियंका के इस मामले में एक्टिव होने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया और आनंद फानन में जांच कमेटी गठित कर दी गई। बीती देर रात तक प्रशासनिक अमला मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के सिर से सिर मिलाकर विचार मंथन करता रहा। डीएम अनिल ढिंगरा ने हालांकि कहा है कि इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि बंदरों के आतंक से लैब टेक्नीशियन एक सप्ताह पूर्व ही प्राचार्य को अवगत करा चुका था। यह जानकारी में लाने के बाद ही 26 मई को यह हादसा हो गया। बंदरों द्वारा वहां तीमारदारों व मेडिकल स्टाफ को घायल कर देना, उनका खाना छीन लेना आम बात हो सकती, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों के ब्लड सैंपल नष्ट किया जाना किसी गंभीर खतरे की तरफ इशारा मात्र हो सकता है। जैसा प्राचार्य एसके गर्ग ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं आई है जिसमें जानवरों में भी कोरोना फैलने की जानकारी दी गई हो, लेकिन इस मामले को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सवाल उठता है कि यदि अभी तक यह बात कहीं स्टडी में नहीं आई है तो जरूरी नहीं कि आने वाले समय में नहीं आएगी। गत 28 मई को फर्स्ट बाइट ने दो दिन पूर्व बंदरों द्वारा की गई इस घटना को उजागर किया था, यानी सैंपल छीने जाने से दो दिन तक इस घटना को मेडिकल प्रशासन द्वारा ऐसे ही लिया गया जैसे वहां बंदर अक्सर करते रहते हैं, यानी आम घटना। बता दें कि जिले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को मेडिकल कॉलेज में रखा जा रहा है। ब्लड शुगर व हीमोग्लोबिन आदि रूटीन जांच के लिए रोजाना ही इन संक्रमित लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाता है। कोरोना वार्ड के बाहर से यह सैंपल लैब टेक्नीशियन स्वयं ही लाते हैं। बीते 26 मई को भी ऐसा ही हुआ, लेकिन रास्ते में लैब टेक्नीशियन खेमकरण से बंदरों ने यह सैंपल खाने के लालच में छीन लिया। सैंपल का कुछ ब्लड भी बंदर के मुंह पर लग गया। अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच बैठा दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।